अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? रात के इस वक्त टाइम हो रहा है हमारे इन कराची, और 4:35 संडे 30 PM, संडे 30 मई 2021। और रिसेंटली मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, और उस कोर्स के अंदर हम वर्डप्रेस का कुछ कोर्स बना रहे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, तो आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स के अंदर वेबसाइट के ट्रेंड्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त वेबसाइट लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है 2021 के अंदर। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद ही यह है कि आप वर्डप्रेस के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जान जाएं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स को देखते हैं। इस वक्त एक पैरेलेक्स मोशन, न्यू मॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, कंफर्टेबल कलर्स, स्क्रॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये देखें, पैरेलेक्स इफेक्ट, ये ट्रेंड चल रहा है पैरेलेक्स इफेक्ट का इस वक्त। और अगर आप देखेंगे तो हम ये प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारे पास एक न्यू ट्रेंड, ये है हमारे पास एक न्यू ट्रेंड, ऐसे वेबसाइट डेवलपमेंट का ट्रेंड ये चल रहा है। और आप अब अगर ये देखेंगे तो ये देखें 3D एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड देखें। अच्छा, इस तरह के मल्टीपल ट्रेंड्स हैं। नियो मॉर्फिज्म, नियो मॉर्फिज्म के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह इम्बोज हुआ हुआ होता है, ये बेसिकली इम्बोज डिज़ाइन है। इसके अंदर आप जो मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसको आप ऐसे इम्बोज हुआ हुआ देखेंगे। देखें, शूज़ इम्बोज हुआ हुआ है, इम्बोज डिज़ाइन है। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कंपोजिशन, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कैसे होते हैं, तो ये देखें एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस कैसे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ये होते हैं, इस तरह का डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं वेबसाइट का तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कंपोजिशन कहलाता है। अच्छा, कंफर्टेबल कलर्स अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल सा आएगा, इसमें आप कलर्स का अपना एक क्या कहते हैं कम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि कलर्स किस तरह आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, कलर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये कलर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप कलर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि कलर्स क्या होते हैं। वेबसाइट के अंदर बेसिकली कलर्स जो हैं वो हेक्सा कोड होते हैं, हेक्सा कोड के थ्रू हम कलर यूज़ करते हैं, हैक्स कोड भी जिसे हम कहते हैं, HTML में कलर पिकर हैक्स कोड। अच्छा, अगर आप कलर की स्कीम मालूम करना चाहते हैं तो वो कूलर्स की वेबसाइट आप विज़िट करें, coolers.co, द सुपर फास्ट कलर स्कीम जनरेटर, आप इस पर चले जाएँ। और इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसे कहते हैं हम एडोब कलर्स, एडोब कलर्स। ठीक है, कूलर्स की वेबसाइट पे आप आके यहाँ से कलर जनरेट कर सकते हैं, कलर्स यहाँ से आप आके कलर पिकर से आके पिकर से जनरेट कर सकते हैं कलर्स। ये देखें कलर्स जनरेट हुए हैं, तो ये दो वेबसाइट हैं, इनके थ्रू आप कलर्स बना सकते हैं। इसकी डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको एक कलर्स की बकायदा एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कलर्स के हवाले से बताऊंगा आपको कि किस तरह आप कलर्स जनरेट कर सकते हैं और किस तरह जो है आप कलर कम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल कलर कम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट डिज़ाइन फॉर कॉज COVID-19 डिज़ाइन, देखिए उन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम एक देखते हैं इस डिज़ाइन को तो देखें, ये 2021 के डिज़ाइन हैं। स्क्रॉलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अब आप चेक करें, ये देखें, अब जैसे ही आप साइट को माउस से स्क्रॉल करते रहेंगे इस तरह से डिज़ाइन में चेंजेस आती रहेंगी, और इसमें ये हर डिज़ाइन इस तरह मूव करेगा। ये देखें, ये भी स्क्रॉल डिज़ाइन है, देखेंगे स्क्रॉल करेंगे ये चेंज हो गया, ये देखें ये स्क्रॉल डिज़ाइन, ये हमारे पास बेहतरीन स्क्रॉलिंग डिज़ाइन है।
हम इधर चले जाते हैं तो ये देखें क्या ज़बरदस्त स्क्रॉलिंग इफेक्ट है। ये देखें आप, ये एक कलर स्क्रॉल इफेक्ट, ये आप स्क्रॉल इफेक्ट देखें। ये देखें साइट को आप स्क्रॉल करते रहें और ये आपकी इसमें चेंजेस होती रहेंगी। अच्छा नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा और, कैप्टिवेटिंग क्वेश्चनरीज, ये एक न्यू लेटेस्ट इन्होंने डिज़ाइन निकाला है, ये पहले नहीं था। ये देखें इसका नाम भी इन्होंने कुछ ये अजीब सा रखा है, कैप्टिवेटिंग क्वेश्चनरीज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब ये देखें हम डिज़ाइन का नाम कुछ अजीब सा, साथ में ये खुद भी कुछ बिल्कुल लेटेस्ट है। ये देखें, देखें आप ये किस तरह से मूव हो रहा है, मतलब ये हम स्क्रॉल को इधर लेके जाते हैं राइट और लेफ्ट पे तो वेबसाइट कम्प्लीटली उधर मूव हो जाती है। ये आप और नीचे हैं, थ्री डायमेंशन कलर्स, थ्री डी कलर्स में डिज़ाइन बने हुए हैं। और नीचे हैं रेडी द बिगेस्ट 2021 ट्रेंड। अच्छा इस तरह का जो इमेज होती है इसे कहते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन इमेजेस। इलस्ट्रेशन इमेजेस के बारे में मैं आपको बताऊँ, इलस्ट्रेशन इमेजेस, ये देखें इलस्ट्रेशन इमेजेस, ये इस तरह की जो इमेजेस हैं ये इलस्ट्रेट डिज़ाइंस कहते हैं, ठीक है इनको। तो ये है हमारा थोड़ा सा वेब ट्रेंड्स, अगर आप और चेक करेंगे वेब ट्रेंड्स के हवाले से तो आपको यहाँ मल्टीपल और ट्रेंड्स मिलते चले आएंगे, क्या चल रहा है, किस तरह से 2021 में इनोवेशन हो रही है वेबसाइट डेवलपमेंट की, किस तरह के डिज़ाइंस इस वक्त फ्लेक्सिबल वेक्टर ग्राफिक्स आ गए हैं, डॉट SVG की फाइल्स बन रही हैं, डॉट GPG, डॉट GIF, डॉट PNG के अलावा डॉट SVG पे वर्किंग हो रही है, एम्फेसाइज ऑन डाटा। और इसके अलावा बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं फीचर्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज न्यू आ गई हैं, न्यू फीचर्स, न्यू ट्रेंड्स आ गए हैं। तो वेबसाइट के ट्रेंड के हवाले से यही था फ़िलहाल, अभी हम और नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और उसमें वेबसाइट के ट्रेंड्स विद कलर, आपने वीडियोस में इमेजेस किस तरह की यूज़ करनी है, वो तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।